The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ऐ दोस्त, आज तुम्हारी आंखों में देखा, बहुत खूबसूरत हैं। तुमने काजल लगा रखे हैं, मगर इसकी कहाँ जरूरत है? हाँ मम्मी, क्या हुआ? बस यूं ही। कैसे हो? आप भी अजीब इंसान हो। ऑफिस के वक्त क्यों फोन करते हो? दिवाली की छुट्टी कब से है? नहीं है इस बार छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं मिली। क्यों? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। लायर। हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे। मैडम, मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस यूं ही जुबान फिसल गई। नहीं, तुम हो। One more please। यदि मैं शायर होता, तुम्हारी आंखों पे दो चार गजल कह देता, इन सजल आंखों को भी अपनी कलम से निर्जल कह देता। नमस्ते बेटा, और क्या हाल चाल है? हेलो। हेलो, धीरज जी बोल रहे हैं? हाँ जी। धीरज जी, मैं 104.6 FM से बोल रहा हूँ, आपके लिए एक कॉल है। प्लीज़ आप कुछ बोलिएगा नहीं, केवल सुनिएगा। ओके। हेलो, क्या मेरी बात ममता यादव जी से हो रही है? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं धीरज का बॉस बोल रहा हूँ। हमें यह जानना था कि धीरज के अपने परिवार वालों के साथ कितना अटैचमेंट रहता है। आप बस ये समझ ले कि ये उसका रिपोर्ट कार्ड है। जी। आप आगरा में रहती हैं? धीरज दिल्ली में काम करता है। तो उसका आपसे कैसे जुड़ाव रहता है? हर 2 महीने पर घर आता है और फोन पर तो लगभग हर रोज ही बात हो जाती है। आपको कहीं घुमाने ले जाता है कि नहीं? हाँ जी, ले जाता है। वो तो बहुत जिद करता है, लेकिन मैं ही उसे मना कर देती हूँ। तो दिल्ली से आपके लिए गिफ्ट भी लाता होगा? हाँ लाता है ना, पिछली बार आया था तो एक साड़ी लाया था। लास्ट कब बात हुई थी? कल शाम को। अच्छा, तब तो वो दीपावली की मुबारकबाद दे रहा होगा। जी जी, मुबारकबाद दे रहा था। इस बार उसको छुट्टी नहीं मिल पाई? नहीं तो वो जरूर आता, वो प्रयास कर रहा है। हमें धीरज, हमें आई एम सॉरी। बेटे, आपके बॉस का फोन आया था। वो कॉल मेरे लिए था। आप मेरे लिए उस समय से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और एक मैं हूँ जो
कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, कभी आपको गुब्बारे नहीं ले जाता, कभी आपके लिए गिफ्ट नहीं ले आता, फिर भी आप मेरे लिए। नहीं बेटा, बहादुर बच्चे रोते नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था, दिवाली में कोई छुट्टी नहीं। मैं आऊंगा माँ, मैं आऊंगा। नहीं बेटा, जब तुम्हें छुट्टी मिले तब आना। आंटी, बड़ी मुश्किल से तो आपका लड़का कंट्रोल में आया है, अब तो उसे माफ कर दीजिए। आप अपना नाम बताएं प्लीज। बस आप यूं समझ ले, हमदर्द बोल रहा हूँ। थैंक्स। रहने दो, मैं चला लेता हूँ। ये पटाखे भी फोड़ने हैं।